अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम खाती हूँ, मेरी माँ की कसम खाती हूँ, मेरे जीजस की कसम खाती हूँ, मैं कल सुबह मरा हुआ मेरी लाश मिले, मैं मेरी जिंदगी की कसम खाती हूँ। मारा तो उस दिन भी था जिस दिन मेरी माँ मर गई थी, क्योंकि आदिल के शरीर में लव बाइट जो दूसरी लड़कियों से लेकर आया। कहते कि हम तुमको नहीं अपनाएंगे, तुम काफिर हो, तुम काफिर हो। पुलिस ने उसके ड्रॉर से भी वो पदार्थ निकाला हुआ इगरा टाइप कि वो पीता है तब जाके वो फीमेल के साथ कुछ कर सकता है। मैं यहाँ किसी को मनवाने नहीं आई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुने या ना सुने। मैं मेरी आप बीती बताने आई। मॉम का वक्त नहीं आया था, मेरी जो मेरे एक्स है मैं बिग बॉस हाउस में थी 3 महीना, और उनको मैं बोल के गई थी मेरी माँ का टेक केयर करना, उन्होंने मेरी माँ का टेक केयर नहीं किया और मेरी माँ चल बस ऐसा देकर गई थी मैं। लेकिन वो लड़कियों में रहे और बहुत सारी फालतू चीजों में रहे, और उन्होंने वक्त पे मेरी माँ को टेक केयर किया होता तो शायद मेरी माँ आज बच। आज मेरे पास कितनी भी धन दौलत आ जाए या मेरे पास दुनिया का सारा सुख आ जाए, जो माँ बाप होते वो माँ बाप होते, वो दोबारा लौट के नहीं आते। हर खुशी हर गम आप 2,000 10,000 5,500 के नोट से आप बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी, कोई समझता नहीं है और ना मुझे किसी को समझानी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने 20 साल लोगों को एंटरटेन किया, लेकिन आदिल खान दुरानी के आने के बाद उन्होंने इतना झूठ मेरे बारे में झूठ 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 कहा और लोगों ने 1 सेकंड में यकीन कर लिया। लोगों को समझ में आना चाहिए इस लड़की ने बगैर गॉडफादर के इतनी मेहनत करी, इतना खून बेच बेच कर अपने भाई बहनों को बड़ा करके उनको शादियां कराई, उनको एजुकेशन कराया, उनके बच्चों का एजुकेशन कराया, अपने माँ बाप को संभाला, माँ की परवरिश कराई एंड तक। वो लड़की किसका क्या बुरा कर सकती है, वो लड़की कहाँ सेल्फिश हो सकती है। ऐसे लड़कियां कोई भी सेल्फिश कभी नहीं हो सकती, ना किसी का बुरा कर सकती है।